हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट मैथ ऑफ सेकेंड ईयर। सो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर की मैथ। और हम लोग आप लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन कराए थे और ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है ये। और इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं, सही है। तो अब वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस लेक्चर्स को आपको मिल सकें, सही है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोल रहे हैं कि फंक्शन, सही है, आर इंटू सच दैट, इस तरह के आर इंटू आर बी डिफाइंड बाय, सही है। सही है, क्या है कि हमारे को एक फंक्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, सही है, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो कब होगा, जब जो हमारा एक्स है, ये जो एक्स है वो ताल्लुक रखता होगा रैशनल नंबर्स से, सही है। रैशनल नंबर्स का मतलब 3/2, 2/3, 1/5, तो ये 1/2, ये सब हमारे क्या होते हैं, रैशनल, जो अपाउंड में होते हैं, सही है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वन कब होगा, जब एक्स जो बिलोंग करेगा वो इरेशनल नंबर से करेगा, जैसे कि ये देख सकते हैं √3, ये एक इरेशनल नंबर है। पाए एक इरेशनल नंबर है, पाए क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इस बात को याद रखिएगा, सही है। अब हमें करना है जो इन, हमें फाइंड क्या करना है, f√3, सही है, f 1/5, f फंक्शन 2। अब यहाँ पे ये सब फाइंड करना है हमारे को, तो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। देखें भाई, सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं f√3 को, सही है। तो यहाँ सॉल्व का लगा देता हूँ मैं फटाफट। देखें भाई, ये f√3 हमें मालूम करना है, सही है। अब याद रखिएगा इस फंक्शन के हिसाब से, ये √3 ना, ये √3 किससे बिलोंग करता है, इरेशनल नंबर से, किससे करता है, इरेशनल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कोई समझ में नहीं आया, देखें भाई एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। देखें भाई, जो ये √3 है ये एक इरेशनल नंबर है, सही है। तो जब हमें कंडीशन दी हुई है कि अगर एक्स बिलोंग करता होगा इरेशनल नंबर से तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, और जब वो रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा, ताल्लुक रखता होगा, तो उसकी वैल्यू होगी 0। सिंपल। देखें भाई, अब पहला तो आ गया, छोटे छोटे से आंसर हो गए, फटाफट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो बड़ी नहीं करनी है, सही है। तो देखें भाई, दूसरा हमारे को दिया हुआ है कि f 1/5। अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि ये फंक्शन 1/5, ये 1/5, सही है, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप सबका जवाब यही होना चाहिए कि जो ये नंबर है f 1/5, ये मतलब f को हटाएं, 1/5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अपॉन में है तो ये एक रैशनल है। तो रैशनल के लिए कंडीशन क्या है कि x जब बिलोंग करेगा रैशनल नंबर से तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो सिंपल, हमारे को क्या मिलेगी, 0। तो आसान आसान सवाल है, तो एक यहाँ कर देता हूँ। और देखे भाई, अब तीसरे का बोल रहे हैं कि ये f(2), सही है, f(2), सही है, ये एक नंबर है, सही है भाई। देखें, हम इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये f(2) है ना, सही है, ये मैं लिख सकता हूँ कि ये रैशनल नंबर है, सही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, सही है। इसी तरीके से f(π), अब मैंने तो आपको शुरू में ही बता दिया था कि f(π) मतलब पाए जो है एक इरेशनल नंबर है, सही है, इरेशनल है, ग्रीक वर्ड है, सही, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है पाए, और ये एक इरेशनल है, तो इसका मतलब है कंडीशन सेटिस्फाई होगी 1 वाली, सही है। और आखिरी इन्होंने जो बोला है 1.5, सही है ना, इसका मतलब है ये जो 1.5 है ये डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, सही है। अब हम इसको फ्रैक्शन में कर देते हैं फैक्टर, सही है। तो देखिए यार, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, 3/2, क्या लिख सकता हूँ, 3/2। कैलकुलेटर यूज़ करें अपना, 1.5 लिखें और आपको फ्रैक्शन में मिल जाएगा 3/2, सही है। तो इसका मतलब है, मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब 1/5, मतलब 1/5 को मैं लिख सकता हूँ, 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। अब मैं ये पूछूं कि ये फ्रैक्शन में है और ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा, सर इसकी वैल्यू होगी 0। क्या होगी,
0। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। सही, समझ में आया होगा ये सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे और सब सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। सही है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स, सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैंने लिख दिया है। सही है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था। सही है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये सिंध बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। सही है, तो सिंध बोर्ड वाले ही अगर देख रहे हैं तो सही है, बाकी और भी अगर कोई देख रहा है तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, उनको भी अंदाज़ा होगा कैसे सवाल करते हैं। सही है, अब देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में बोले अ फंक्शन, एक फंक्शन फॉर एफ सच दैट, जो दो डॉट लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं सच दैट आर इंटू आर। सही है, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में भी लिखना चाहूँ ना तो इसका मतलब होता है ये एफ आर इक्वल टू आर, ये होता है इसका मतलब। सही है, ये हम लोग कोई बोलते हैं डोमेन है और ये बोलते हैं हम को डोमेन, क्योंकि को डोमेन के अंदर ही रेंज होती है, इस बात को याद रखिएगा। सही है, इज डिफाइंड बाय, सही है, कैसे डिफाइंड किया जाता है, एक फंक्शन दिया हुआ हमारे को एफ ऑफ एक्स, सही है, बराबर होगा। अब ये कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है आप लोगों के लिए। सही है, तो मैं बता दूँ क्या करना है। देखिए 1 - x कब होगा, जब, और ये जो साइन होता है ना ये ए, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है फॉर ऑल, क्या होता है फॉर ऑल x belongs to, सही है, माइनस, और ये जो ये मैंने लगाया है ब्रैकेट, सही है, इनका मतलब क्या होता है पता है आपको, जो ये वाले ब्रैकेट होते हैं इनका मतलब है कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, सही है, इंटरवल्स है, तो इंटरवल्स आपको पता होने चाहिए, मैंने वीडियो में बताया था फर्स्ट लेक्चर में, तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें, पता चल जाएगा इंटरवल क्या होते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ फिर भी थोड़ा सा। देखिए जो ये वाले ब्रैकेट होते हैं इनका मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी इसके अंदर शामिल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से जो बड़ी वैल्यूज़ है वो शामिल है, और वन, वन के बाद भी लगा हुआ ये ब्रैकेट, इसका मतलब है कि वन से छोटी जो भी वैल्यूज है वो शामिल है। दूसरा वाला 1 + x फॉर ऑल, 1 + x कब होगा, जब x बिलोंग करेगा, और ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि 1 भी शामिल है 2 भी शामिल है, क्या शामिल है, इसका मतलब होता है कि 1 भी है और इसके एंड वाले में भी ये लगा हुआ था, इसका मतलब 2 भी शामिल है, मतलब 1 से लेके जो दरमियान में आई होगी 1.5 1.8, वो सब इसी के अंदर जो भी आएगी कंडीशन के हिसाब से जो हमें दिया हुआ मालूम करने के लिए। सही है, तो उसके हिसाब से 1 + x होगी। सही है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं अभी सवाल करवाऊंगा तो और क्लियर कर दूंगा आपके कॉन्सेप्ट को। सही है, देखें 1 कब होगी, 1 फॉर ऑल जब x बिलोंग करेगा, मतलब इसके पास भी एक ऐसा ही ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये है कि 2 इसके अंदर शामिल नहीं होगा, मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज, प्लस इन्फिनिटी के ऊपर भी यही लगा हुआ, तो मतलब प्लस इन्फिनिटी से कम की वैल्यूज, समझ में आई कॉन्सेप्ट, समझिए बस। अब सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या है सबसे पहला सवाल, ये हमसे दिया हुआ है कि फाइंड द इमेज ऑफ ज़ीरो, समझाता हूँ। देखें भाई ये क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं कि देखें कि f f ज़ीरो पे कितना होगा। सही है, तो ये उनका क्वेश्चन है हमसे। सही है, तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट पे जाएं। देखें अब मुझे ये देखना है कि इनमें से ज़ीरो किसके पास आ रहा है, समझ में आई, अब ध्यान से समझे कॉन्सेप्ट को, समझे क्या है। देखें 1 - x जब होगी, कब होगी, जब जो x है, यहाँ पर हमने x पुट करा 0, अब यहाँ कौन तीनों पे देखना पड़ेगा कि 0 कहाँ लग रहा है। देखें माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, ठीक है, और 1 से छोटा, 1 से छोटा तो 0 आ सकता है इसके अंदर, तो मतलब ये पहला वाला सही है। दूसरा वाला भी देखते हैं, 1 और 2, मतलब 0 तो इसमें है नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 है इसके अंदर, 2 है लेकिन 0 नहीं है इसके अंदर। देखें तो ये बोले 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी में 0 कैसे आएगा, तो इसका मतलब पहला वाला ही आएगा। सही है, तो पहला वाला क्या है, 1 - x, और x की वैल्यू क्या पुट करिए, 0, तो 0 पुट कर दें, तो f 0 पे जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 1। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। तो अब दूसरा भी यही कर लेता हूँ, सही है, चलो नीचे तो नज़र आ ही रहा होगा, तो यहाँ पर करते हैं। देखें अब हमसे बोल रहे हैं कि तो वैल्यू ऑफ f एट 3, हमें बता दें कि 3 पर जो f की जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो क्या होगी। इसका मतलब ये है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि f 3 पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। सही है, यही पूछना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है अब ये देखना है कि 3 कहाँ आ रहा है। सही है, तो यहाँ 3 नहीं आ सकता क्योंकि 1 से छोटी है, तो बात ही ख़त्म हो गई।
इसका मतलब 2 तक है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे देख सकते हैं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से बड़ी नहीं है, 2 ही तक आ सकती है। सही है, इंटरवल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद, जब आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सही है, और इसके बाद ये देख सकते हैं इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर जो आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ा नंबर होता है, तो उसका मतलब ये है कि 2 से बड़ी में तो आ रहा है 3 तो 2 से बड़े बाद ही आता है ना, तो उसका मतलब यही करेक्ट है। और इसका आंसर क्या आ रहा है 1। तो ये मैं ब्लैक से कर देता हूँ आंसर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक से कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो ढूंढने में। सही है, तो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ आंसर्स को कर रहा हूँ सिर्फ। भैया अब देखें, 2 आंसर आ गए, अब तीसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तीसरे वाले के हिसाब से हमें मालूम करना है f√3। सही है, f√3 ये मालूम करना है। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि f√3 पर, सही है इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि ये तो हमें रेंज ही बताता है ना, इस बात को तो दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ये डोमेन और यहाँ पर रेंज आएगी इसकी। सही है, अब देखें, और इसी चीज़ को हम इमेज भी बोल सकते हैं, √3 की इमेज। सही है, अब देखें हो क्या रहा है। सही है, हो ये रहा है कि यहाँ पर हमें ढूंढना है कि √3 क्या है। अब भाई अब जब कैलकुलेटर लें अपने, सही है, कैलकुलेटर लें और यहाँ पर लिखें √3, उसकी जो वैल्यू डेसिमल में देखिएगा, डेसिमल में आ रही है 1.73, तो इसका मतलब है 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो ये तो एक कंडीशन हमारे पास है, और वो कंडीशन पता क्या है, डेट कंडीशन इज़ वॉट, ये वाली 1 शामिल है और 2 भी शामिल है, बट क्या है कि 2 शामिल है 1 भी शामिल है, मतलब इसके दरमियान में जो वैल्यूज आ रही है 1.5 1.6 वो भी शामिल है, तो इसका मतलब यही कंडीशन है इस वाले के लिए। सही है, तो क्या है 1+x, क्या है 1+x, तो मतलब इसकी कंडीशन पता है क्या बन गई, इसका आंसर क्या बन गया, 1+x की जगह क्या पुट करूँगा √3। सही है, √3 क्यों पुट करूँगा, क्योंकि x की जगह हमने क्या पुट करा हुआ है, x की जगह हमने √3 पुट करा हुआ है, तो यहाँ के x की जगह भी √3 पुट करना है, तो यही हमारा आंसर है। तो इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आंसर ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। सही है, अब हमारे पास आखिरी जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो कहना चाहता है कि द इमेज ऑफ 5, इमेज ऑफ 5 बता दो, क्या है इमेज ऑफ 5। देखिए भाई, देखें हम क्या है, इसके मुताबिक ये बोलना चाह रहा है कि f5 बता दो, और इसकी f5 है, उसकी इमेज तो यहाँ आएगी, इमेज कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो 5 की इमेज बतानी है, तो इमेज कैसे बताएंगे, इसी से बताएंगे, कंडीशन से बताएंगे। तो याद रखिएगा, अब देखें, अब हमें वो कंडीशन ढूंढनी है जिसमें 5 आ रहा हो, किस में आ रहा हो, 5 आ रहा हो, तो देखें माइनस, ये तो यहाँ पर देख लें तो 1 से तो छोटा है, तो 1 से तो हमें बड़ा चाहिए, 5 क्या है, 1 से बड़ा है। सही है, तो ये तो हमारी कंडीशन फेल हो गई। दूसरी वाली में देखिए तो 2 तक आ सकता है, और 2 से थोड़े से छोटे नंबर 1 से, सही, तो मतलब 2 से बड़ी वैल्यू नहीं है इसके अंदर, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटे और 2 से बड़े, इसका मतलब होता है 2 से बड़ा और प्लस इन्फिनिटी से छोटा, तो मतलब 2 से बड़े में तो 5 आ सकता है, 3, 4, 5 आ रहा है, तो उसका मतलब ये कंडीशन सही है। तो ये F1 हो गई और ये हमारा आंसर हो गया। सही है, तो फटाफट मूव कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अब 8, 9 नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट 10 से शुरू कराऊंगा। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है कंपोजिट फंक्शंस का। सही है, तो कंपोजिट फंक्शंस को मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा, इसी हफ्ते के इसी वीडियो के बाद कल ही बता दूंगा कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। सही है, तो अभी मैं सिर्फ थोड़ी सी बात बताऊंगा कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। सही है, कंपोजिट फंक्शन क्या है, देखें हमारे पास 3 होते हैं। सही है, 3 सेट होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं, a b c। देखिए अब हो क्या रहा है कि जब फंक्शन चलता है a to b, सही है, a to b चलता है, तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा इस तरीके से a to b। सही है, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। सही है, a to b। अब ये जब इससे b से लेके c पे जाएगा, तो इसका मतलब अब जी आ गया, क्या आ गया, जी, और ये बराबर होगा, सही है, बी टू सी। सही है, बी
टू सी बराबर होगा, ये सही है, इस बात को अपने जहन में बिठा लें, सही है। अब ये जो लाइन है फंक्शन है और ये आ गई, सही है, जी वाला आ गया, सही है, ये भी एक फंक्शन है लेकिन जी वाला आ गया, इसको जी से डिनोट करेंगे, अब इसको एफ से करेंगे। अब सही, अब हमारा जो अब क्वेश्चन है इसके अंदर बोले फॉग और गॉफ, सही। अब इसको बता दूँ क्या है, देखें फॉग हमारा बोलते हैं कि फॉग एक्स, सही, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एफ जी ऑफ एक्स, कैसे लिखते हैं जी ऑफ एक्स, चलो मैं और दिखाता हूँ, जी ऑफ एक्स ऐसे भी लिखते हैं, सही है। अगर ये आ गया हमारा जी ऑफ एक्स, अब जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा, सही है, कन्फ्यूज मत होइएगा। सवाल सॉल्व करेंगे, फुल डिटेल में बताऊंगा सवाल, लेकिन कंपोजिट फंक्शंस को अभी मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, अगली वीडियो में कल इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा इस कंपोजिट फंक्शंस को फुल डिटेल में, सही है, क्योंकि इस वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं, सही है, तो वो ज़रूर देखिएगा कल की वीडियो। देखें अब क्या है कि अब ये आ गया फॉग के लिए, अब इसी तरीके से गॉफ के लिए कर लेते हैं, किसके लिए कर लेते हैं, गॉफ, सही है, गॉफ। अब गॉफ जो एक्स है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, जो चीज़ पहले होगी वो पहले लिखी जाएगी, उसके बाद हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और ये आ गया बराबर के, सही है। तो अगर एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई से डिनोट कर रहे हैं तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ वाई, सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादातर यही लिखिएगा, सही है। तो अब बात करेंगे आपके क्वेश्चन के ऊपर, सही है, हमारा क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे, सही है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं टू पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा जिनके ऊपर देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देखें ये पॉलीनोमियल फंक्शन में चला जाता है, सही है। अब देखें एफ जी आर डिफाइंड बाय एफ, या गया फंक्शन एफ और ये वाला जी, सही है, जी और ये एफ आ गए, दोनों की वैल्यूज आ गई, सही है। अब आगे देखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, मतलब रियल नंबर, आर क्या होते हैं, रियल नंबर, जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। फाइंड द कंपोजिट फंक्शंस, जो मैंने आपको बताया कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, सही है। फॉग और गॉफ एंड बताएं कि, सही है, फॉग कैन नॉट बी इक्वल टू गॉफ, सही है, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। डिटरमाइन, सही है, द फंक्शन एफ प्लस जी, फंक्शंस एफ प्लस जी को मालूम कर रहे हैं, माइनस थ्री एफ को मालूम करें, टू जी फोर एफ जी, कैन यू फाइंड जी ओवर एफ एंड और एफ ओवर जी, सब मालूम करेंगे इसी वीडियो में। आप देखें इसकी, अब ये सवाल सॉल्व कराने के बाद मैं वीडियो एंड करूँगा, सही है, अब मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा, सही है, उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 13 में नहीं करवाऊँगा, सही है, तो क्वेश्चन नंबर 11 12 उसमें करवाऊँगा, सही है, और इसी के बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए कल कंपोजिट फंक्शन पर। तो बस आज ये आखिरी सवाल कर रहे हैं इसी वीडियो का, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी बहुत और वो मैं करना नहीं चाहता, सही है। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, तो अपना क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं फटाफट, सही है। क्वेश्चन में हो क्या रहा है, हमने हमारे को सबसे पहले तो फंक्शंस लिख लेने हैं क्या क्या दिए हुए, सही है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे ताकि हर चीज़ क्लियरली आपको समझ में आए कि हम करना क्या है यहाँ इस सवाल को, सही है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, सही है, दिया हुआ है, और ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर के, यही है। और इसी तरीके से एक फंक्शन और दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, और जिसकी वैल्यू है एक्स प्लस वन, यही है। अब देखें, अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है फॉग, कुछ भी फाइंड कर लो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ फॉग को पहले मालूम कर रहा हूँ, किसको मालूम कर रहा हूँ फॉग को, सही है, ये फॉग है, सही है, इसको मैं मालूम करने जा रहा हूँ, सही है, फॉग, और ये फॉग एक्स है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं फॉग एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे फंक्शन जी ओवर एक्स, सही है, तो इस तरीके से मैं लिख सक। सो स्टूडेंट हम यहाँ पर थे एफ ऑफ जी एक्स पर, सही है, तो क्या करना है आगे देखते हैं। देखें अब यहाँ पर फॉग एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, सही है, एफ जी एफ एक्स, सही है। अब यहाँ पर क्या करना है, सीधी सी बात है, आप लोगों की समझ में आराम से आएगी। देखें अगर मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछूं, क्योंकि सवाल पूछने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखें ये F शुरू में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, F शुरू में आ रहा है, ये F शुरू में इन दोनों में से किस में आ रहा है, F तो यहीं पर ही आ रहा है, सही है, ध्यान से कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा। देखिए अगर मैं यहाँ इस X की जगह 1 पुट करूँ, X की जगह 1 पुट करूँ, तो अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर मैं इस पूरी इक्वेशन में 1 पुट करूँगा X की जगह, ऐसे ही होता है। तो अब याद रखिए, अब ऐसा आइए, देखें इसी तरीके से देखें जी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है कि हम एक्स की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं, जी ऑफ एक्स,
क्या पुट करने जा रहे हैं, जी ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह इस पूरे को कंसीडर करें, ये पूरा एक्स है, ये पूरा जो ये चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक समझ लें ये एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, एक्स। तो मतलब ये एक्स की जगह ये मैं पूरी चीज़ पुट करने जा रहा हूँ। तो मतलब जी ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो इस पूरी इक्वेशन में आएगा जी ऑफ एक्स। तो आप बोलेंगे यस सर यही आएगा, आएगा ना। तो मैं बिल्कुल यही करने वाला हूँ, समझ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। अगर मैं डायरेक्ट कर दूँ तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सही है। कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरी चीज़ क्योंकि f यहाँ पर आ रहा है तो f यहाँ पर है, और ये मैं समझ रहा हूँ कि ये x है पूरा, ये पूरी चीज़ क्या है x। तो ये x की जगह अगर मैं g ऑफ x पुट करता हूँ तो इस पूरी इक्वेशन में x की जगह g ऑफ x पुट करूँगा, सही है। तो अब देखें क्या करने जा रहा हूँ मैं, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जी ऑफ एक्स, सही है, जी ऑफ एक्स की मेरे पास एक वैल्यू है, जी ऑफ एक्स की मेरे पास एक वैल्यू है, वो है एक्स प्लस वन। क्या है, एक्स प्लस वन, क्या है, एक्स प्लस वन। अब इसी वैल्यू को, थोड़ा सा वन ख़राब हो रहा होगा लग रहा है आप लोगों को ना, तो मैं सही कर देता हूँ। तो ये बराबर है एक्स प्लस वन के, सही है। ये जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, क्या है ये, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन। अब एफ एफ, सही है, एफ। अब इस एक्स की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स प्लस वन, सिंपल, क्योंकि जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन। चलो यार एक मिनट रुको, कन्फ्यूजन हो रही होगी अभी, सही। मैं सीधा सीधा जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया मैं वो लिखता हूँ, एफ जी ऑफ एक्स, सही है, यही है की जगह। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेजन पर काम करूँगा, इस इक्वेजन में, सही है। इस बात को अपने ध्यान में रख ले, मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पर, क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, सही है। अब इसके ऊपर काम होने वाला है, अब जहाँ जहाँ एक्स है मैं वहाँ वहाँ जी ऑफ एक्स लिखूँगा, क्या लिखूँगा, जी ऑफ एक्स, सही है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा जी ऑफ एक्स, सही है, और इसका होल स्क्वायर, यही होगा। आप बोलेंगे यस सर यही होगा, थ्री। अब इस एक्स की जगह क्या लिखूँगा, जी ऑफ एक्स, सही है। तो जी ऑफ एक्स ये आ गया, इसके बाद प्लस फोर, ऐसे ही होगा, यस सर ऐसे ही होगा, आपका जवाब यही होगा, सही है। अब एफ जी ऑफ एक्स, सही है, ये आ गया। अब याद रखें, सही है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मैं भी यहाँ चेंज कर देता हूँ, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे एक्स प्लस वन, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ जी ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस वन। अब यहाँ जी ऑफ एक्स जहाँ भी होगा वहाँ क्या पुट करूँगा, एक्स प्लस वन, यही होना चाहिए आपका जवाब, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन प्लस फोर, यही आएगा, यस सर यही आने वाला है, सही है। फटाफट इसको फर्दर मजीद सॉल्व करते हैं इसको, सही है, क्या होगा, सही है। तो एफ एक्स प्लस वन इसकी वैल्यू आ गई, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आ रहा क्या, आप बोलेंगे जैसा लगेगा इस पर अप्लाई होगा फॉर्मूला। तो क्या होता है, ए प्लस बी का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, आप बोलेंगे जैसा यही होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ए हमारे पास क्या होगा, एक्स, ये होगा एक्स, ये होगा वन, क्या होगा बी, सही। तो सीधा सीधा सॉल्व करना है, कन्फ्यूजन ख़त्म कर दें, सिंपल सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए, सही है। इस ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, एक्स, एक्स का क्या है, क्योंकि ए के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस टू वाला सिंपल फॉर्मूले का ए, ए क्या है एक्स, बी क्या है वन, सही है, यही है, माइनस थ्री, और ये थ्री मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो थ्री एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस और थ्री मल्टीप्लाई होगा वन से, तो थ्री वन थ्री और प्लस और ये फोर, सिंपल है। सिंप्लीफिकेशन आपको माहिर बनना पड़ेगा, सही है। तो मैंने फुल डिटेल में बताया आपको, तो ध्यान से समझिएगा कि स्टेप को, सही है, एक एक स्टेप करवा रहा हूँ आप लोगों को, सही है। तो एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू, सही है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस, सही है, चार में से अगर तीन को माइनस करेंगे कितना बचेगा, वन, सिंपल सी बात है, सही, चार में से तीन को माइनस करेंगे तो एक बचेगा, सही है, और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ा साइन किसका है, प्लस का। एफ एक्स प्लस वन की जो वैल्यू आनी चाहिए, सही है, एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस माइनस माइनस टू बड़ा है या थ्री बड़ा है, तो आप बोलेंगे थ्री बड़ा है, थ्री के साथ क्या साएंगे, माइनस का, तो यहाँ भी मैं माइनस लगाऊंगा, तीन में से दो को माइनस कर दो, क्या बचेगा, एक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स, और ये प्लस वन। अब ये सोचने में आ रहा होगा
सही है, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। तो यहाँ अगर आप फर्जी सॉल्व करते हैं, मजीद सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ करवा देता हूँ। सही है, क्या करना है देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये बन गई। सही है, अगर मजीद सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। सही है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं सॉल्व करूँ, सही है, तो मैं पहले देख लेता हूँ कि ये हम सवाल में हमें इतना तो सॉल्व करने का बोला नहीं होगा। सही है, मेरे हिसाब से तो ये मैं यहीं रोक रहा हूँ। क्या रोक रहा हूँ? इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा करना फ़ायदा नहीं है। यहीं रोकते हैं। अब हम मालूम करते हैं जी ऑफ एक्स, क्या मालूम करते हैं? गॉफ। क्या है? गॉफ। अब बारी है गॉफ की। सही है, अब गॉफ मालूम करते हैं। आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ यहीं तक रहिएगा, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहीं आने वाला। सही है, यहीं पे छोड़ दें, सिर्फ मैच कर लेंगे आंसर, तो हमें पता चल जाएगा फॉग बराबर भी है या नहीं है। सही है, अब मालूम करने की बारी है गॉफ की। किसकी बारी है? गॉफ। तो गॉफ यहाँ पर मैं लिखता हूँ, गॉफ बराबर होता है, गॉफ ऑफ एक्स बराबर होता है, हम इसको लिख सकते हैं जी एफ ऑफ एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सही है, लिख लिया, टेंशन ख़त्म हो गई। सही है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी आगे की। देखें भाई, अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? अब ध्यान से देखिएगा, अब जी पहले आ रहा है तो आपका जवाब यही होगा, सर आ रहा है, ये आ रहा है ना, अब जी इसके अंदर है। अब आपको कंसीडर क्या करना है, देखिए, मानना ये है कि ये f of x क्या है, ये हम इसकी जगह पुट कर रहे हैं। सही है, इसकी जगह x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? f of x, क्योंकि f of x ही हमारे x के बराबर होगा। सही है, समझ लें कि ये जो पूरी चीज़ है, अब ये क्या है? x है। अब ये पूरी चीज़ क्या है? x। तो इस x की जगह, ये x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? f of x। तो अब इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे? ये वाले फंक्शन को। सही है, ध्यान से समझे। सही है, अब देखें, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मैं जी है, ये अब यहाँ इस वाले x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ? f of x। सही है, f of x। और अब ध्यान लगाने वाली बात है, क्या है? ध्यान लगाने वाली। सही है, अब मैंने x की जगह f of x पुट करा है। क्या पुट करा है? सॉरी, एक मैंने थोड़ी गलती करी। क्या पुट करा है? f of x। अब ये पूरे जहाँ भी x होगा वहाँ मैं क्या पुट करूँगा? f of x। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा f of x। सही है, यही पुट करूँगा, और प्लस वन। अब मेरी एक बात ध्यान सुने, हमारे पास f of x की वैल्यू नहीं है क्या? तो आपका जवाब होगा यस सर, है ना, ये तो नहीं है ना। तो इस f of x की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, क्या मुश्किल बात है? कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा पुट कर देंगे। तो याद रखिएगा, अब जहाँ मैं f of x की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, तो जी अब f(x) की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और इसकी जगह पुट करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। देखें भाई, ध्यान से सुनिएगा, प्लस 4 प्लस 1 कितने होते हैं? 5, 4 प्लस 1 कितने होते हैं? 5, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। सही है, अब हो क्या रहा है, अब आगे क्या करना है? सही, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन नहीं लेनी, सीधा आंसर आ चुका है हमारा। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं पूछूं कि ये f(x) प्लस 1 और ये g(x), हम पढ़ेंगे अभी भी यही g(x) और ये आ गया मतलब ये फॉग, ये गॉफ, यही तो वैल्यू आई है ना इनकी, तो फॉग और गॉफ की वैल्यू यही तो आई है। क्या आई है? दोनों की सेम है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, इसकी तो वैल्यू अलग आई है, इसकी वैल्यू अलग आई है। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि फॉग, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लैक से, कि फॉग, यहाँ लिख देता हूँ कि फॉग कैन नॉट बी इक्वल टू गॉफ। समझे? सब साबित कर दिया ना फॉग। ये देखें, ये हमने इसको तो फॉग को तो सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, फॉग ऑफ एक्स को हमने ऐसे लिख सकते हैं, और जी ऑफ एक्स की जगह से तो पूरा सॉल्व करने का ये निकला, इसको सॉल्व करने के बाद ये निकला। तो मैं अंडरलाइन करता हूँ ब्लैक से, ताकि आपको पहचानने में, ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। सही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। सही है, तो ये देख सकते हैं, इसको भी मैं अंडरलाइन करता हूँ। सही है, अब देखें, आप अलग अलग नज़र आ रहा है, इन दोनों की वैल्यू देख सकते हैं, ये जो इनकी वैल्यूज़ है। सही है, ये इनकी वैल्यूज़ है, सेम नहीं है, तो इसलिए हमने बोला फॉग कैन नॉट बी इक्वल टू गॉफ। सही है, अब मेन फटाफट बात कर लें, जल्दी से बात करेंगे, वीडियो लंबी नहीं करनी है मुझे, तो बाकी सारे फंक्शंस को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं।
भाई देखिए आप फटाफट बात कर लेते हैं फंक्शन से ऊपर। आप देखें अब क्या मालूम करना है कि हमें f प्लस g मालूम करना है, सही है। क्या मालूम करना है? f प्लस g, जल्दी से करेंगे f प्लस g, सही है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स, सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको अगर मजीद सॉल्व करेंगे तो पता है क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, यही है। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, यही होगी। आपका जवाब होगा यस सर, यही होगी। मजीद सॉल्व करें तो भाई देखें, ये प्लस वन, ये प्लस फोर, कितना होगा फाइव, ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। देखिए भाई बड़ा साइन किसका है इनमें से, थ्री का, थ्री के पास क्या है, माइनस, सही है। तो अब मैं जो लिखूंगा ना वो लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री में से, सही है, फोर में से समझ लो, थ्री रुक जाओ सही है, फोर फोर में से क्या, थ्री में से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ये एक्स अकेला है, थ्री में से वन को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस टू, और ये टू एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू को हम देखेंगे। और प्लस वन प्लस 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 फोर प्लस वन फाइव, ये आ गई हमारी एफ प्लस जी की वैल्यू, सही है। अब आगे चलते हैं, देखिए भाई क्या हो रहा है आगे, देखिए अब मालूम करना है माइनस थ्री एफ, क्या मालूम करना है, माइनस थ्री एफ। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। आपका जवाब होगा यस सर, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, सही है। आगे चलते हैं, माइनस थ्री, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या है, ये रही, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, यही होगी। सबका जवाब होगा यही होगी सर, सही है। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा पता है, सिर्फ थ्री से मल्टीप्लाई करा दो, कोई मुश्किल बात नहीं है। थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई कराऊँ तो माइनस प्लस माइनस है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और थ्री थ्री दा नाइन, और ये आ गया एक्स, है ये माइनस प्लस माइनस, फोर थ्री दा ट्वेल्व, और ये आ गया हमारा आंसर। तो कोई मुश्किल नहीं है, अंडरलाइन कर देता हूँ ब्लैक से, आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा आंसर आ रहा है, सही है, ताकि आपको परेशानी ना हो, सही है। दो आ गए सामने करके दिखाया, तीसरा जल्दी जल्दी करेंगे, 2g क्या लिखा हुआ है, 2g बताओ भाई, भाई 2g का मतलब है g फंक्शन की तो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, g ऑफ x लिख सकता हूँ बिल्कुल, g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है बस, और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस वन तो है, देख सकते हैं, ये रही यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ तो अब लिखी हुई नहीं है, तो ये देखें, ये x प्लस वन, और ये f ऑफ x की वैल्यू, g ऑफ x की वैल्यू, सही है। तो अब x प्लस वन क्या, आप यहाँ पे देखें, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 2x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2, तो ये आंसर आ गया ना। आप क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर अगर इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लें, x प्लस वन, ये वापी वही आ जाएगी, तो इससे अच्छा है कि अब यहाँ पर हमने ज़्यादा खोल दिया तो ये अच्छा है, सही। अब यहाँ पर ये हमारा आंसर है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ अंडरलाइन में, सही, इसको मैं भी एक बॉक्स में कर दिया मैंने, सही है। तीन आ चुके, अब चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या बोल रहा है कि एफ, सो स्टूडेंट फटाफट अब मालूम कर लेते हैं, देखें ये वाली अब कंडीशन रह गई है एफ ऑफ जी, क्या रह गई है, एफ ऑफ जी, सही है। तो याद रखें, अब यहाँ पर मैं एफ ऑफ जी को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स, सही है, डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और जी ऑफ एक्स, सही है, ऐसे लिख सकता हूँ। और आगे अगर सॉल्व करें तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, ये रही एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, और ये मल्टीप्लाई होगी पूरी वैल्यू, किससे मल्टीप्लाई होगी, जी ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन से जब मल्टीप्लाई होगी, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं एफ ऑफ जी को, ज़्यादा सही है, क्या निकल रहा है, एफ डॉट जी मल्टीप्लाई, सही है, क्या निकल रहा है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें एक्स से, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को, ओ सॉरी, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, अब एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, अब माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा, और माइनस प्लस माइनस तो थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो थ्री एक्स ही मिलेगा, सही है। अब बात करें प्लस, तो फोर एक्स मिलेगा, उसके बाद मिलेगा फोर, सही है, यही मिलेगा। आगे चलते हैं, एफ ऑफ डी की वैल्यू निकाल देते हैं, एफ डॉट जी की, सही है, क्या निकलेगी, देखें एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ऐसे ही आ गया, सही है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब थ्री, तीन में से एक को माइनस कर दो, और बड़ा साइन थ्री के साथ माइनस, ओ
बड़ा नंबर कौन सा 3 और इसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा और 2 आएगा क्योंकि 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सही है। अब देखते हैं एक्स व एक्स और ये भी एक्स, माइनस प्लस माइनस ये होता है, मतलब 4 में से 3 को माइनस कर दो। बड़ा नंबर कौन सा 4 और उसके साथ साइन कौन सा है प्लस का, तो ये लिख दें 4 में से 3 गया, कितने बचे 1x बचा और ये प्लस 4, तो ये आ गया हमारा आंसर इसका। फटाफट इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, सही है भाई। देखें आखिरी सवाल है, सही है, आखिरी क्वेश्चन है, इनका समझ लें कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जी ऑफ, क्या आप मालूम कर सकते हैं जी ओवर एफ और या जी ओ एफ ओवर जी। तो भाई बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, सही है। क्या है देखें, जी ओवर एफ, जी ओवर एफ यही है, तो इसका मतलब पता है क्या, जी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वन, यही है एक्स प्लस वन, और एफ की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, यही है। तो आप बोलेंगे यस सर, बस ये कंडीशन अपने दिमाग में बिठा लें, सही है, इसको ज़ीरो नहीं करना, सही है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ज़ीरो ये चीज़, बस ये बात ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बस इस बात को याद रखें कि ये चीज़ पूरी ज़ीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए, सही है। अब आगे क्या है, हमारे तो पूछ रहे हैं कि एफ ओवर जी, क्या पूछ रहे हैं एफ ओवर जी, तो फंक्शन एफ की वैल्यू ऊपर आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और यहाँ पर एक्स प्लस वन किसकी वैल्यू जी ऑफ एक्स की, सही है। तो याद रखें यहाँ पर अगर नीचे डिवाइड में अगर माइनस वन आ गया तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ज़ीरो जब भी डिवीज़न में आएगा ना, डिवीज़न में, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, सही है। अब क्या करना है, सीधी सी बात है, हम यहाँ लिख देंगे कि एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, सही है, बस सवाल सॉल्व, सारे सवाल हो गए, सही है। क्या उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा सही तरीके से, सही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आपको मिलें। और आपसे बता दूँ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करा करें, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, सही है, अब क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 रिमेनिंग में है, सही, बाकी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और कंपोजिट फंक्शन को भी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।